हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकमेट्स चैनल। अच्छे फोटोज क्लिक करना किसे पसंद नहीं होते, और अब तो हम अपने स्मार्टफोन में प्रोफेशनल कैमरास जैसे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। प्रोफेशनल कैमरास के इक्वल फोटोज तो नहीं क्लिक कर सकते, लेकिन उनके जैसे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको और जानना है कि हार्डवेयर से रिलेटेड होती है फोटो की क्वालिटी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर आपके पास इतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, और जब भी आप अच्छे फोटोज क्लिक करना चाहते हैं DSLR जैसे, या आपको और अपना बैकग्राउंड ब्लर करना है, तो इन कैमरा ऐप्स की मदद से आप जरूर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 5 अमेजिंग कैमरा ऐप्स के बारे में, और उनकी आपको डेमोज भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात और, जो मैं फर्स्ट ऐप बताऊंगा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट कैमरा ऐप है, क्योंकि बेस्ट कैमरा ऐप सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए फिल्टर ज्यादा जो होंगे जिस कैमरा ऐप में, वो ज्यादा अच्छा है, वो बेस्ट कैमरा ऐप है। किसी के लिए के इंटरफेस जिसका ऐप का अच्छा है, वो ज्यादा उनके लिए बेस्ट कैमरा ऐप है। तो मैं आपको सिर्फ 5 ऐप्स बता रहा हूँ जो मुझे अच्छे लगे, और आप मुझे बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा बेस्ट कैमरा ऐप कौन सा लगा। और अगर आपके पास और भी कैमरा ऐप्स हैं जो उससे भी अच्छे हैं, तो आप उनको भी बताइएगा कमेंट्स में। जो फर्स्ट ऐप है उसका नाम है कैनू, CAMU। इसका क्लीन और पावरफुल इंटरफेस है दूसरे ऐप्स के मुकाबले, और यहाँ पर आप फोटोज और वीडियोस जो है फिल्टर्स के साथ ले सकते हैं, लाइव फिल्टर्स के साथ। दोस्तों इसकी मुझे जो खास बात वो ये लगी है कि यहाँ पर आप लाइव ऑन स्पॉट कोलेजेस बना सकते हैं। ज्यादातर हम अपने फोटो से कोलेजेस जो बनाते हैं, वो बाद में बनाते हैं एडिट करके, जैसे पिक्सआर्ट में बनाते हैं या कहीं भी पिक्सेल लैब में बनाते हैं, तो वो हम बाद में फोटोज क्लिक करके उनको कंबाइन करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑन स्पॉट आप लाइव कोलेजेस बना सकते हैं, कि आप फ्रेम बाय फ्रेम फोटोज क्लिक करके उनको ऑन स्पॉट बना सकते हैं एक ही आउटपुट में। तो ये है इस ऐप की खासियत, और यहाँ पे आप ब्लर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। जो नेक्स्ट ऐप है उसका नाम है कैमरा MX। ये एक, मैं कहना चाहूंगा, मल्टी टास्कर ऐप है, मल्टीपर्पज ऐप है, और ये एक ऑलराउंडर कैमरा ऐप है, जिसके अंदर आप सिर्फ फोटोज और वीडियो शूट नहीं कर सकते, इसमें आप लाइव इफेक्ट्स और लाइव जो फ्रेम्स होती हैं और लाइव फिल्टर्स जो होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो आपकी वीडियोस और फोटोज को एक बहुत अच्छा लुक दे देते हैं। और ये मेरा एक फेवरेट ऐप है, क्योंकि इसके इतने सारे फीचर्स हैं जो आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, कि मैं इतनी जल्दी आपको इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। तो आप इसको खुद ट्राई करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये इसको एक प्लेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर फोटोज और वीडियोस को ट्रिम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो एक मल्टीटास्कर ऐप है जो मैंने पहले कहा था, तो आपको इसको खुद एक्सप्लोर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। नेक्स्ट ऐप है उसका नाम है कैमरिंगो लाइट। तो ये एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर सारे फीचर्स हैं जो एक बेसिक कैमरा ऐप में होते हैं। यहाँ पे उसके अलावा 300 लाइव फिल्टर्स मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद डाउनलोड कर सकते हैं। जो मुझे इसकी अच्छी बात लगी है वो ये है कि यहाँ पे एक जो लेंस फीचर है, इसके अंदर आपको फिश आई और एक वाइड एंगल नाम के फीचर्स मिलेंगे, जो लेंसेज मिलेंगे, तो इससे बहुत अच्छे फोटोज आते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट है ये मेरी तरह। और मुझे एक और बात अच्छी लगी इसकी, वो ये है कि यहाँ पे एक प्लेनेट मोड है, जो कि आप एक तरह पूरा एक गोल गोल जो होता है प्लेनेट की तरह फोटो क्लिक कर लेता है। तो ये दो बातें जो है वो मुझे बहुत पसंद आई इस ऐप की। बाकी सारे फीचर्स हैं इस ऐप में। और यहाँ पे एक और बात अच्छी ये है कि इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, ज्यादातर कैमरा ऐप्स का साइज बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपके फोन में स्पेस अच्छी नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये ज्यादातर बेसिक फंक्शन जो है वो पूरे कर देगा। अगला ऐप है गूगल कैमरा। ये है गूगल ऐप। दोस्तों ज्यादातर स्मार्टफोन्स में ये ऐप जो है कंपेटेबल नहीं है, तो अगर आपके स्मार्टफोन में ये ऐप कंपेटेबल नहीं है, तो आप इसको इंस्टॉल मत कीजिएगा। लेकिन जिनके स्मार्टफोन में कंपेटेबल है, तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये बिल्कुल DSLR जैसी फोटोग्राफी देता है। तो आपका फोन जो है DSLR जैसा हो जाएगा, उसके इक्वल नहीं हो जाएगा। तो आपके फोटोज के अंदर ये ज्यादातर इसके मेन फंक्शन जो है वो ब्लर वाला फीचर है। इस ऐप का फोटो स्फेयर जो फीचर है वो भी बहुत एक्साइटिंग है, जो 3x पैनोरामा होता है। मतलब ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, और ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये 3x पैनोरामा होता है, जो बहुत एक्साइटिंग है। यहाँ पे गूगल जो कैमरा है उसके ज्यादातर फीचर्स नहीं है, बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स होते हैं तो वो अच्छे हैं इसके। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ये कंपेटेबल है आपके स्मार्टफोन से। जो लास्ट ऐप है उसका नाम है आफ्टर फोकस। ये भी एक DSLR फोटोग्राफी जैसा ऐप है, लेकिन ये गूगल कैमरा की तरह वर्क नहीं करता, जिसके अंदर आपका सिर्फ वो फोटो क्लिक करेगा और बाद में रिफाइंड आउटपुट दे देगा। यहाँ पे आपको खुद थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इसके अंदर होता क्या है, आप सिंपली फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन आपको जो एरिया ब्लर करना है उसको आपको शेड करना पड़ता है। उसके बाद आप इस यहाँ पे कलर करेक्शन कर सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं,
और भी बहुत सारे फीचर्स जो आप ऐड कर सकते हैं वो एडिटर्स में, फोटो एडिटर्स में वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो आउटपुट होगा उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो अगर आपके फोटो एडिटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यही थे 5 ऐप्स फोटोग्राफी मतलब कैमरा ऐप्स जो मुझे अच्छे लगे थे। तो अगर आपको और अच्छे मालूम है तो कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर इसको कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि आपके आपके पास भी होंगे ऐसे फोटोग्राफर फ्रेंड्स जो कैमरा ऐप्स को सर्च करते रहते हैं। तो बस मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।